हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और तीनों ही क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द गिवन आईपी सबनेट मास्क। यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस दिया हुआ है 194.122.14.15 एंड मास्क दिया हुआ है 255.255.255.0। तो सबसे पहले अगर आपको कोई स्लैश नोटेशन नहीं दी, ऑल्दो कई बार क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग है या क्लासलेस एड्रेसिंग है, लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो अगर आपको यहाँ पे कोई स्लैश नोटेशन नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना ये क्लासफुल है। और अगर आपको स्लैश नोटेशन दी है ऐसे करके, अगर स्लैश 20 या स्लैश 30 लिखा होता तो आप कह सकते हो कि ये क्लासलेस है। तो ऑल्दो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्लासफुल एड्रेसिंग का पार्ट है जिसमें क्लास ए बी सी डी ई आती है। तो यहाँ पे 194 पहले ऑक्टेट से हमें पता लगता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो 194 आता है क्लास सी के अंदर, क्योंकि क्लास सी की रेंज जो है वो 192 से स्टार्ट होकर 223 तक जाती है। तो क्लास सी जो है वो यहां पे आता है। तो क्लास सी में अगर हम बात करें तो तीन ऑक्टेट क्या होते हैं, होस्ट आई, तीन ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए और एक ऑक्टेट होता है होस्ट आईडी के लिए। मतलब पहले तीन ऑक्टेट जो है, पहले तीन ऑक्टेट किसके लिए है, नेटवर्क आईडी के लिए। ये तीन ऑक्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेटवर्क, और लास्ट वाला जो ऑक्टेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट। या इसको आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो कि एक नेटवर्क है इस तरीके से, उस नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट है कुछ, और इस पूरे नेटवर्क को 194.122.14.0, क्योंकि नेटवर्क की आईडी में होस्ट की बिट क्या होती है, हमेशा जीरो। सारी दुनिया जो है वो इसको किस नाम से जानती है, इसको किस आईपी एड्रेस से जानती है, नाम तो डोमेन नेम में होगा लेकिन किस आईपी एड्रेस से जानती है, पूरा www किस आईपी एड्रेस से जानता है इस नेटवर्क को, 194.122.14.0। अब इसके अंदर क्या है, मल्टीपल होस्ट बना सकते हो, मल्टीपल यूजर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पे इसके बेसिस पे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर वन, ये आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट वन है, होस्ट आईडी इज 14.5। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लास सी में सिर्फ जो लास्ट ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट, वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेट से कि अगर हम इस 0.5 की बात करें ना, ये डॉट फाइव का मतलब पता है क्या है, कि इस नेटवर्क में फिफ्थ होस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि जीरो तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे नेटवर्क को। वन क्या होगा, डॉट वन क्या होगा, पहला होस्ट, डॉट टू दूसरा होस्ट, तो ये डॉट फाइव क्या होगा, पांचवा होस्ट। तो 14 नहीं आ सकता क्योंकि 14 जो है वो नेटवर्क आईडी का पार्ट है, तो ये वाला जो है ऑप्शन यहां पे गलत होता है, बिकॉज 14.5 जो है वो ये नेटवर्क का ऑक्टेट है और ये होस्ट का। तो क्लास सी में सिर्फ एक ऑक्टेट आएगा, 0.5 अगर होता या डॉट फाइव अगर होता तो आप कह सकते हो कि ये करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट हो रहा है। यहां पे नेटवर्क आईडी इज 194.22.14, ये राइट ऑप्शन है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, देखो 194.122.14, जीरो को रिप्रेजेंट करो या ना करो बाय डिफॉल्ट आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है वो ट्रू है, नेटवर्क आईडी जो है वो ये बन रही है। देन 0.0.0.100 मे बी द होस्ट ऑफ दिस नेटवर्क, ये भी ट्रू है। होस्ट का मतलब क्या है, होस्ट की बिट में हम नेटवर्क की आईडी को क्या रखते हैं, जीरो रख सकते हैं। और 100 का मतलब क्या है, इस पूरे नेटवर्क में ये 100 मतलब 100वां होस्ट है, इस पूरे नेटवर्क में ये 100th होस्ट है। और इस पूरे नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं, क्लास सी में आपके कितने होस्ट हो सकते हैं, क्लास सी में लास्ट ऑक्टेट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्टेट का मतलब है 2^8, मतलब 256 नंबर ऑफ होस्ट आईडी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें से हम दो को यूज नहीं करते और 254 को हम एग्जैक्टली यूज करते हैं। दो को यूज हम क्यों नहीं करते, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला है वो क्या है, यहां पे नेटवर्क आईडी, और जो लास्ट होगा .255 वाला वो क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। तो हम दो एड्रेसेस को यूज नहीं करते, तो रेस्ट 254 एड्रेसेस को हम यूज करते हैं। और इसके ऊपर मैं एक और आपको बता देता हूं कि क्लासफुल एड्रेसिंग में क्लास ए बी सी डी ई और इसके अलावा क्लास लेस एड्रेसिंग में भी
ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. मेरी सारी वीडियोस उसके ऊपर अवेलेबल है और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार जरूर वो चेक कर लें, क्योंकि उसमें आपको पूरी डिटेल में पता लग जाएगा ईच एंड एवरी पॉइंट. कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो वहां पे नहीं पता लगेगा. तो यहां पे नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2^8-2 होस्ट एंड 0 सबनेट. यहां पे हमने सबनेटिंग की तो बात ही नहीं की है, ये पूरा नेटवर्क है, इसको आप फर्दर सबनेट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हमने कोई बात नहीं की है इसकी. तो 2^8-2, मैंने अभी आपको बताया कि 256-2 254 नंबर ऑफ होस्ट है, तो ये भी ट्रू. ये भी क्या है आपकी ट्रू, थर्ड और फोर्थ भी ट्रू. नेक्स्ट, 1 bit इज बोरोड फ्रॉम द होस्ट आईडी. एक बिट हमने बोरो किया होस्ट आईडी से, नहीं, हम होस्ट आईडी से तभी बोरो करते हैं जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं, क्योंकि नेटवर्क की बिट को हम कभी नहीं छेड़ते, नेटवर्क की बिट हमेशा एज इट इज रहती हैं. जो ऑक्टेट होता है होस्ट का, होस्ट के ऑक्टेट से हम क्या करते हैं, 1 जो है वो रिजर्व कर लेते हैं, मतलब 1 bit, 2 bit, 3 bit रिजर्व कर लेते हैं, जितने होस्ट मेरे, जितने सबनेट मेरे को चाहिए. अगर मेरे को 8 सबनेट चाहिए तो मैं 2^3 मतलब 3 बिट को रिजर्व कर लूंगा. इस तरीके से जो है हम बिट्स को रिजर्व करते हैं होस्ट पार्ट में से, लेकिन वो तभी करते हैं जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं. तो यहां पे सबनेट का तो कोई फंडा ही नहीं है, हमने डायरेक्ट नेटवर्क को यूज किया हुआ है, तो हमने कोई बिट बोरो नहीं किया है. आपके टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने बन रहे हैं, 254. अगर आप एक बिट भी बोरो करते हो तो वो सबनेट में क्रिएट हो जाएगा. तो सबनेट 2, 4, 8 आप जितने भी सबनेट क्रिएट कर सकते हो. कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है विद फुल एग्जांपल्स, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेटवर्क का. आप कह सकते हो कि टॉप मोस्ट अगर कॉन्सेप्ट है वो आईपी एड्रेसिंग है, जिसके ऊपर हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो आप जरूर वो चेक करें. सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे वीडियोस में, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें. तो यहां पे 234 जो है वो राइट आंसर है. 234 कहां पे आ रहा है, बी. तो 234 मतलब बी जो है दिस इज करेक्ट. देन सेकंड क्वेश्चन, कनेक्ट द फॉलोइंग एचटीटीपी. ये हमारे पास जो है ये 5 एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर, डीएनएस डोमेन नेम, SMTP सिंपल मेल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. तो इनको हमने यहां पे कनेक्ट करना है, मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है. तो मैच करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है, DNS क्या काम करता है, HTTP क्या काम करता है, या FTP क्या काम करता है. इनसे रिलेटेड पोर्ट नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि किसका पोर्ट नंबर क्या है. और इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार जरूर वो वीडियो चेक कर लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ना फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं और सिंपल है. ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, और हमेशा ये ना फोकस करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हमेशा टफ क्वेश्चन ही करके जाने हैं या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही करके जाने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा टफ ही आते हैं, सिंपल लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं. और इसमें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को कि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना कि हम टफ ज्यादा करेंगे टफ, इस चक्कर में वो सिंपल क्वेश्चन भी गलत कराते हैं. तो यहां पर यह भी जो है, मैं टफ क्वेश्चन ही बोलूंगा इसको, मीडियम या ओके लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ना नेट एग्जाम में स्पेशली काफी आते हैं. तो यहां पे एचटीटीपी की अगर हम बात करें, एफटीपी की, तो आपको कहीं ना कहीं, अगर हम लेट्स से पीओपी की बात करें, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं बेसिकली टू गेट द मेल, मतलब सेंड द मेल के लिए हम यूज करते हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर, और मेल को गेट करने के लिए, लेने के लिए हम यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. HTTP के अंदर इनमें से अगर हम बात करें, तो आपका जो राइट कनेक्शन बनेगा वो फिफ्थ बनेगा, दैट इज ट्रेस मेथड लूप बैक रिक्वेस्ट मैसेज. ट्रेस जो है HTTP के अंदर हम काफी मेथड यूज करते हैं, गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, डिलीट है, कनेक्ट मेथड है. इसके अलावा हमारे पास जैसे ट्रेस मेथड है, ट्रेस मेथड जनरली हम यूज करते हैं, लेट्स से कि अगर मैं अपने ब्राउजर से ट्रेस मैसेज सेंड करता हूं, तो ट्रेस मैसेज क्या करेगा कि एक तरह से डीबगिंग का काम करता है, इको मैसेज है, और जो सर्वर है, सर्वर मेरे को रिस्पॉन्ड करेगा अपनी डिटेल्स, अपनी कुछ डिटेल जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा. तो ट्रेस नाम से पता लग रहा है कि अगर मैं अपने ब्राउजर से HTTP ट्रेस मैसेज सेंड कर रहा हूं, तो वो मेरे ही सिस्टम पे रिप्लाई करेगा अपने सर्वर की कुछ इंफॉर्मेशन. तो ट्रेस हम बेसिकली यूज करते हैं लूप बैक या डीबगिंग के लिए या इकोइंग के लिए. तो यहां पे ये वाला राइट आंसर बनेगा. FTP में अगर हम बात करें, तो यूज फॉर
use two port numbers. Yes, 2021 number port ये use करता है, दो port use करता है FTP, एक से वो data को send करने के लिए और दूसरे से वो commands को send करने के लिए जो है वो दो port numbers को हम यहाँ पे use करते हैं FTP में. DNS की अगर हम बात करें तो connection number one, that is it uses the TCP and UDP both. Although UDP use करोगे तो ज़्यादा better है क्योंकि UDP में connection less है, लेकिन DNS दोनों ही use कर सकता है. TCP that is transmission control protocol को भी use कर सकता है and user diagram protocol को भी use कर सकता है. और last आपका बचा SMTP. SMTP हम generally use करते हैं ME to deal with the non-SKI data. तो ये basically protocol specially design किया है जो SMTP के साथ में work करता है, क्योंकि SMTP generally जो है वो text या normal data को send करने के लिए बनाया था. उसके बाद अब आज के time पे अगर हम बात करें तो multimedia data, अपनी mails के अंदर हम photographs हैं, videos हैं, छोटी-छोटी, वो भी हम क्या कर सकते हैं, transmit कर सकते हैं, send कर सकते हैं, तो उसमें जो है वो help करता है MIME protocol. तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन पांचों के हिसाब से, आपका फर्स्ट का बन रहा है 5, यानी डी आंसर जो है 2 का बन रहा है 2, 3 का 1, हां तो आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट बनेगा. देन थर्ड क्वेश्चन, RSA एल्गोरिथम इज यूज्ड, पी वैल्यू इज 17, क्यू वैल्यू इज 11, पब्लिक की ई एंड एन इज गिवन एज 7187, फाइंड द सीक्रेट की डी. इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि RSA एल्गोरिथम जो है वो क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है, और क्रिप्टोग्राफी जो है वो पिछले कुछ टाइम से गेट में भी, नेट के एग्जाम में भी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें काफी आ रही है, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो बड़ा ही पॉपुलर सा टॉपिक है, और नेटवर्क सिक्योरिटी में स्पेशली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और आपकी जो सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जिसमें डीईएस वगैरह आते हैं, एसिमेट्रिक जिसमें आपका आरएसए आते हैं, डीफी हेलमैन है, इसके ऊपर आपको अब क्वेश्चंस जो है वो काफी मिल सकते हैं. और इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको मैं यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसका सिमिलर एज इट इज, मतलब इसको मैंने यहां पे सिर्फ वैल्यू 7 की जगह वहां पे कुछ और होगा, सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है. अदरवाइज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सीक्रेट की डी, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें, उसमें आपको पूरी डिटेल में पता लग जाएगा. तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन बार बार एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं. और उसमें ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं, कई ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन हैं जो आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे, तो उसमें मैंने काफी अच्छे से वहां पे बताया हुआ है और शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कैसे सॉल्व करना है. तो इसका आंसर मैं यहां पे बता देता हूं, इसका आंसर आएगा डी, दैट इज 23. थैंक यू.